कोई भी ऐसा अभियुक्त जिस पर किसी ऐसे अपराध का आरोप है जो अजमानतीय प्रकृति का है, नॉन बेलेबल है, और उसकी जमानत मान लीजिए चाहे मजिस्ट्रेट कोर्ट से, चाहे सेशन न्यायालय से, चाहे हाई कोर्ट से या चाहे सुप्रीम कोर्ट से अगर स्वीकृत हुई है, तो क्या ऐसे व्यक्ति की जमानत निरस्त भी हो सकती है, जमानत कैंसिल हो सकती है या कैंसिल करवाई जा सकती है? और कैंसिल करवाई जा सकती है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, किन कारणों से कैंसिल कराई जा सकती है, निरस्त हो सकती है, किसके द्वारा निरस्त की जा सकती है? तो डिटेल में मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ कि किसी भी आरोपी की जो किसी ऐसे अपराध का अभियुक्त है जो गैर जमानती प्रकृति का है, तो ऐसे अभियुक्त की जमानत कब निरस्त की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐसे अपराध का अभियुक्त है जो गैर जमानती प्रकृति का है, जिसको न्यायालय के आदेश पर जमानत पर रिहा किया गया है, अगर जमानत की शर्तों का पालन नहीं करता है, जमानत की शर्तों का पालन करने में असफल रहता है, या मान लीजिए जिस अपराध के लिए उसे कारागार में निरुद्ध किया गया था और वह व्यक्ति जमानत पर रिहा है, और उस अपराध के लिए जो भी साक्षीगण हैं या पीड़ित व्यक्ति है, अगर मान लीजिए पीड़ित व्यक्ति को डराता धमकाता है, साक्षियों को डराता धमकाता है, साक्षियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो ऐसे व्यक्ति की जमानत निरस्तीकरण के लिए आवेदन किया जा सकता है। या मान लीजिए जिस अपराध के लिए वह व्यक्ति निरुद्ध किया गया था उससे भी गंभीर प्रकृति का अपराध कर दे, मान लीजिए जैसे हत्या के प्रयत्न में कोई व्यक्ति निरुद्ध किया जाए, अब वह जब उसकी बेल हो जाए, बेल से आन पर रिहा होने के बाद, छूटने के बाद वह किसी की हत्या कर डाले, तो ऐसी सिचुएशन में भी ऐसे व्यक्ति की जमानत निरस्त की जा सकती है। या कोई और ऐसा जघन्य अपराध कि मान लीजिए वो किसी ऐसे अपराध में कहीं ना कहीं कारागार में निरुद्ध था जो संज्ञेय प्रकृति का था और अजमानतीय था, लेकिन उसको जमानत दे दी गई, अब वह जमानत पे आने के बाद मान लीजिए किसी महिला के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट किया हो, मतलब जिसे आप सामान्य भाषा में छेड़खानी कहते हैं, और जमानत पर छूटने के बाद उसके साथ बलात्कार करें या उसकी हत्या करने का प्रयास करें या हत्या कर डालें, तो ऐसी सिचुएशन में भी ऐसे अपराधियों की जमानत को निरस्त किया जा सकता है। कुल मिला के आप सीधा से समझ लीजिए कि जमानत की जो शर्तें हैं उनका अनुपालन न होने पर, या जो अपराध किया गया था उससे भी कोई गंभीर अपराध कर दे, साक्षियों को प्रभावित करने पर, साक्षियों को डराने धमकाने पर, पीड़ित को डराने धमकाने पर, जमानत की शर्तों में यह आरोपित रहता है कि जो भी व्यक्ति जमानत पर रिहा किया जाएगा वो समय समय पर न्यायालय में उपस्थित होगा, ट्रायल में न्यायालय का सहयोग करेगा, गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा, इसके अतिरिक्त वह व्यक्ति जो भी मान लीजिए जमानत पर रिहा किया गया है, जब भी उसके विरुद्ध आरोप बनाए जाएंगे, चार्ज फ्रेम किया जाएगा उसके ऊपर, न्यायालय में उपस्थित होगा, साक्ष्य जब हो रहा होगा तो वह न्यायालय में उपस्थित रहेगा, जब 313 CRPC की कार्यवाही उसके प्रचलित में प्रचलन में होगी तो भी वह व्यक्ति वह अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित रहेगा और ट्रायल में कॉपरेट करेगा, किसी भी तरह से अपने आप को फरार होने की कोशिश नहीं करेगा। कि मान लीजिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो जमानत पाने के बाद पता चले गंभीर अपराध में निरुद्ध थे, अब वो देश ही छोड़ दें, देश छोड़ के भाग जाएं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है या ऐसा कुछ होता है कि जो भी एक्यूज्ड है वो मान लीजिए फ्लीड अवे, मतलब भाग जाए कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में कि कहीं फरार हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में भी जमानत निरस्त हो सकती है या जमानत निरस्त करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। अब जमानत निरस्त कौन कर सकता है या जमानत निरस्त के लिए आवेदन कौन कर सकता है? तो फ्रेंड्स, जमानत निरस्त वह न्यायालय कर सकती है जिसने जमानत दी है, सो मोटो पर, स्वप्रेरणा पर, राज्य के आवेदन पर जमानत निरस्त हो सकती है, पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर जमानत निरस्त हो सकती है, या जिस व्यक्ति ने शिकायत की है, जिसने FIR लिखवाई है, उस व्यक्ति के आवेदन पर भी जमानत निरस्त की जा सकती है। जमानत निरस्त किसके द्वारा की जा सकती है?
तो फ्रेंड्स मान लीजिए जैसे जमानत अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दी है, भले ही वो अपराध अजमानतीय प्रकट करा हो, उसको एक रात दो रात के लिए कारागार में निरुद्ध किया गया हो, तो ऐसी सिचुएशन में मजिस्ट्रेट भी जमानत निरस्त कर सकता है। लेकिन मुख्यतः अजमानतीय जो भी मामले हैं उनमें लगभग मामलों में सेशन कोर्ट में ही ऐसी सिचुएशन है कि सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट ही जमानत देती है कुछ सेक्शंस को छोड़ के। तो जैसे मान लीजिए अगर सेशन न्यायालय ने 439 CRPC के अंतर्गत 439 CRPC की उपधारा 1 के अंतर्गत किसी अभियुक्त को जमानत दी है जो अपराध अजमानतीय प्रकरण का था और उसकी फिर जमानत निरस्त के लिए अगर मान लीजिए चाहे न्यायालय स्वप्रेरणा पर या किसी के आवेदन पर या राज्य के आवेदन पर, तो ऐसी सिचुएशन में 439(2) CRPC के अंतर्गत सेशन कोर्ट में अगर सेशन कोर्ट ने बेल दी है तो सेशन कोर्ट में आप जमानत निरस्तीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर जमानत हाई कोर्ट ने दी है तो 439(2) CRPC के अंतर्गत ही जमानत निरस्तीकरण के लिए आप हाई कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जमानत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जमानत निरस्तीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, या मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानत दी है लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट अगर जमानत देने के लिए आप जमानत का आवेदन निरस्त करने के लिए मना कर देता है कि जमानत निरस्त नहीं की जाएगी तो आप सेशन कोर्ट में कर सकते हैं। सेशन कोर्ट ने अगर जमानत दी है और सेशन कोर्ट मना कर देता है तो हाई कोर्ट में आप आवेदन कर सकते हैं, और अगर हाई कोर्ट मना करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके अलावा आपको जब भी जमानत के मान लीजिए अगर निरस्तीकरण के लिए आवेदन देते हैं तो उस सिचुएशन में आपको एविडेंस देना होगा और पक्षकार जो मतलब जो भी एक्यूज्ड है उसको नोटिस भेजी जाएगी, उसको एक बिना नोटिस दिए हुए मतलब बिना उसको सुनवाई का मौका दिए हुए जमानत निरस्त नहीं की जाएगी। हाँ एक सिचुएशन ऐसी है कि अगर मान लीजिए वह कोई गंभीर प्रकृति का अपराध कारित कर देता है या कोई जो जिस अपराध के लिए उसको निरुद्ध किया गया था उससे कोई बड़ा अपराध कारित कर देता है तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि अभियुक्त को सुनवाई का मौका दिए बिना भी जमानत निरस्त की जा सकती है, लेकिन ऐसी संभावना कम होती है क्योंकि प्राकृतिक न्याय का यह सिद्धांत है कि दूसरे को भी सुनो, तो इसलिए अभियुक्त को सुनवाई का मौका दिए जाने के बाद ही जमानत निरस्त होगी, यही प्रावधान है। और फ्रेंड अगर ऐसा कुछ है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपके साथ अपराध किया है, आपको पीड़ा पहुंचाई है और चाहे वो सेशन न्यायालय से चाहे मजिस्ट्रेट कोर्ट से चाहे हाई कोर्ट से चाहे सुप्रीम कोर्ट से अगर उसकी जमानत मिल चुकी है और वो अगर आपको डराता धमकाता है या आपके गवाहों को प्रभावित करता है या मान लीजिए कोई नया अपराध कारित कर देता है तो आप जमानत निरस्तीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया है आपको, आप उस सिचुएशन में जमानत निरस्तीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे जेन्यून कंटेंट लीगल कंटेंट जो भी हैं वो आपको देखने के लिए मिलते रहें। थैंक यू।